टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में धमाकेदार एंट्री की है। भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रनों से रौंदा। भारत ने गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में 172 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड 16 ओवर 4 गेंदों में 103 रन पर ही ढेर हो गई। भारत के लिए अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट झटके। अक्षर पटेल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। जसप्रीत बुमराह ने 2 शिकार किए। इंग्लैंड के 2 प्लेयर रन आउट होकर पवेलियन लौटे। भारत ने इंग्लैंड से एडिलेड वाला ही शाप चुकता कर लिया है। इंग्लैंड ने T20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में भारत को एडिलेड के मैदान पर 10 विकेट से हराया था। बता दें कि रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम की खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका से भिड़ंत होगी। फाइनल 29 जून को आयोजित होगा। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने सधा हुआ आगाज किया। कप्तान जॉस बटलर ने थोड़े तूफानी तेवर दिखाए, लेकिन फ्लिप साल्ट का बल्ला नहीं चला। दोनों ने पहले विकेट के लिए 26 रन की साझेदारी की। अक्षर ने चौथे ओवर में बटलर को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई, जिसके बाद इंग्लैंड ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। इंग्लैंड की खस्ता हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 खिलाड़ी 49 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। आदिल रशीद, क्रिस जॉर्डन, सैम करन और मोइन अली दहाई की आंख नहीं छू सके। लियाम लिविंगस्टोन ने 11 रन बनाए। हैरी ब्रुक ने 25 और जोफ्रा आर्चर ने 11 रन का योगदान दिया। आर्चर आउट होने वाले आखिरी प्लेयर रहे। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। भारत की ओर से सर्वाधिक रन कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए। उन्होंने 39 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्के की बदौलत 57 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के लिए क्रिस जॉर्डन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। रिस टॉपली, जोफ्रा आर्चर, सैम करन और आदिल रशीद ने 1-1 विकेट लिया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने उतार दिया। भारतीय पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। विराट कोहली एक बार फिर कोई खास कमाल नहीं कर पाए। उन्हें रिस टॉपली ने 3रे ओवर में बोल्ड किया। ऋषभ पंत भी सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद हिटमैन रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मोर्चा संभाला। 8 ओवर में जब भारत का स्कोर 65 था तो तेज बारिश शुरू हो गई। 1 घंटे से अधिक समय तक खेल रोकना पड़ा। रोहित और सूर्या ने लौट कर बखूबी पारी को बढ़ाया। दोनों ने 3रे विकेट के लिए 73 रन की अहम साझेदारी की। रोहित और सूर्या की साझेदारी 13वें ओवर में टूटी। राशिद ने रोहित को बोल्ड किया। सूर्या 50 के नजदीक आकर 16वें ओवर में आर्चर का शिकार बने। जार्डन ने 18वें ओवर में पांड्या और शिवम दुबे 20वें ओवर में अक्षर पटेल को अपने जाल में फंसाया। रविंद्र जडेजा 17 और अर्शदीप सिंह ने 1 रन बनाकर नाबाद रहे।